मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को जन आशीर्वाद यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस यमुनानगर से की। यमुनानगर से रादौर होते हुए लाडवा पहुंची यात्रा। जन आशीर्वाद यात्रा में हिस्सा लेने के लिए भारी मात्रा में जन सैलाब उमड़ा। मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि हम अगले एजेंडे में लड़कियों के 9 कॉलेज बनवाएंगे और जिस इलाके में लड़कियां पढ़ाई में पीछे रह गई हैं, जहां लड़कियों के पास पढ़ाई के साधन नहीं हैं, वहां लड़कियों की पढ़ाई की व्यवस्था और आने जाने की व्यवस्था भी की जाएगी। हम चाहते हैं कि प्रदेश की बेटियाँ पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। अगले एजेंडे में 9 कॉलेज लड़कियों के बनेंगे और जैसे ही हम आएंगे तो जिस जिस इलाके में पढ़ाई में लड़कियां पीछे रहेंगी, लड़कियों को पढ़ाई के साधन नहीं है, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था, उनको आने जाने की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं देंगे। हम चाहते हैं हमारे प्रदेश की बेटियाँ ये पढ़ें, पढ़ लिख करके आगे आए। आखिर इस पढ़ी लिखी बेटी कहीं ससुराल में जाएगी तो अपना परिवार, जहाँ बेटी है वहाँ तो बच्चों को, जो उसके भाई हैं या भतीजे हैं या और हैं, उनको तो प्रेरणा मिलती है उस पढ़ाई की। जहाँ जाएगी उस ससुराल परिवार में उसका भी भला करेगी। तो हमारी बेटी हो चाहे बहू हो, पढ़ी लिखी होगी तो कई परिवारों का भला करती है। तो पढ़ाई लिखाई में मैं संजीदा हूँ, इसलिए हमने ये सारे विकास के काम कराए। लोगों की तकलीफें छोटी छोटी, कहीं कोई लाइसेंस बनवाना है या कहीं कोई सर्टिफिकेट बनवाना है, कोई लाइसेंस का डुप्लीकेट लाइसेंस लेना है, चक्कर कटवाते थे। ये पटवारी के यहाँ जाओ, तहसीलदार के यहाँ जाओ, SDM के यहाँ जाओ, यहाँ फाइल जमा कराओ, फिर आओ, फिर जाओ, फिर आओ, फिर जाओ, महीनों महीने लगा देते। हमने ई दिशा केंद्र खोले, अंत्योदय केंद्र, सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र, कंप्यूटर वाला बैठा है, जाओ 10-20 रुपये जो अपनी फीस है दो और हाथों हाथ काम करा के ले आओ, टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, सब सुविधा पूर्वक हमारी जीवन शैली कैसी बने, ये सुगम पथ हमने किया कि नहीं किया। हमने आने के बाद 75,000 एम्प्लॉय ऐसे भर्ती किए हैं जो योग्य हैं, जो अच्छे हैं, उसमें क्लर्क भी हैं, उसमें ग्रुप डी भी हैं, उसमें पुलिस के लोग भी हैं। जितना अच्छा मटीरियल आएगा उतना भ्रष्टाचार कम होगा, ये मेरा आपको विश्वास दिलाता हूँ। जन जीवन लोगों का सुगम कैसे बनाया, आसान कैसे बनाया, लोगों को बिना किसी कठिनाई के अपने जीवन के सब रास्ते वो पार कर रहा है, वो काम हमने करना है। एक एक परिवार, एक एक व्यक्ति, उसकी जरूरतें कैसे पूरी हो, घर जाकर के उसकी जरूरतें पूरी करेंगे, ये हमारा वायदा है मित्रों। 5 साल में ऐसी व्यवस्थाएं करते हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।